बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। शो दैट जेड इज़ इक्वल नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो हमने ये दो सीरीज़ जो है वो प्रूव करनी है। ये देखिए, ई रेज टू पावर जेड हम पहले फाइंड करके आ चुके हैं, इसी तरह साइन ऑफ जेड स्क्वेयर। जस्ट हमने क्या करना है, इनको इससे मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये पार्ट की बात करते हैं। वी नो दैट e रेज टू पावर z स्टूडेंट्स वो किसके इक्वल है, सिग्मा n इज इक्वल टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी z रेज टू पावर n ओवर n फैक्टोरियल। z रेज टू पावर n ओवर n फैक्टोरियल z मॉड लेस देन इन्फिनिटी। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, इसे z e रेज टू पावर z को z स्केयर पे डिवाइड करना है, यानी कि 1 ओवर z स्केयर आ जाएगा। और इसको हम ओपन कर लेते हैं, इस सीरीज़ को ओपन करें तो डेफिनेटली एन की जगह पे हम ज़ीरो पुट करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। 1 पुट करेंगे तो जेड ओवर 1 फैक्टोरियल आ जाएगा। 2 पुट करेंगे तो जेड स्केयर ओवर 2 फैक्टोरियल बनेगा। जेड क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल बनेगा। और इसी तरह जो है वो जेड 4 ओवर 4 फैक्टोरियल प्लस 1 ये आएगा। अब हम 1 ओवर जेड स्केयर से इसे मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बनता है, 1 ओवर जेड स्केयर प्लस ये जेड कैंसिल हो जाएगा तो ये 1 ओवर जेड ही आएगा। 1 फैक्टोरियल 1 होता है, फिर ये 1 ओवर 2 फैक्टोरियल बनेगा, ये जेड ओवर 3 फैक्टोरियल बनेगा, ये जेड स्केयर ओवर यानी कि जेड रेज टू पावर 2 पावर इसकी ख़त्म होती जाएगी। तो ये हमारे पास स्टूडेंट सीरीज आ जाएगी, ई रेज टू पावर जेड और जेड स्केयर। और यही हमने जो है वो क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। बी पार्ट में देखें तो हमारे पास ये साइन जेड जो है वो मौजूद है। तो सबसे पहले तो हमें जो है वो साइन ऑफ जेड स्केयर फाइंड करना है इसमें। तो जहाँ पे जेड है उसकी जगह पे जेड स्केयर पुट कर दो। साइन ऑफ जेड स्केयर ये आ जाएगा सिग्मा एन इज़ इक्वल टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी माइनस 1 रेज टू पावर एन जेड स्केयर रेज टू पावर 2n प्लस 1 2n प्लस 1 फैक्टोरियल और साथ z मॉडुलस लेस देन इन्फिनिटी है। अच्छा, ये फिर क्या बन गया, फिर हमने z रेज टू पावर 4 पे इसको डिवाइड भी कर देना है। तो ये साइन ऑफ z स्केयर डिवाइडेड बाय z रेज टू पावर 4 ये क्या बनेगा, सिग्मा 1 ओवर z रेज टू पावर 4 सिग्मा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 रेज टू पावर n z रेज टू पावर 4n प्लस 2 ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2n प्लस 1 फैक्टोरियल साथ सेम कंडीशन है z मॉडुलस लेस देन इन्फिनिटी। अब हमने क्या करना है, इसे जस्ट ओपन करके लिखेंगे स्टूडेंट्स तो ये हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ओपन करके अगर हम यहाँ पे लिखें तो ये क्या लिखा जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू 1 ओवर z रेज टू पावर 4। अब मुझे n की जगह पे 0 पुट करना है तो इधर z स्क्वायर बनेगा, ये 1 आएगा और ये भी 1 तो जस्ट जेड स्केयर आ जाएगा। ठीक है, फिर प्लस ये इधर 1 पुट करना है तो माइनस आएगा और ये क्या बनेगा, ये 6 माइनस 1 और जेड रेज टू पावर 6 बनेगा। नीचे ये 2 प्लस 1 ये 5 फैक्टर 1 पुट किया है तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 प्लस 1 3। ठीक हो गया जी, 1 पुट किया था। फिर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर आएगा और उधर z जो है वो क्या बन जाएगा, z रेज टू पावर अब हमने 2 पुट करना है तो ये 8 प्लस 2 10 होता है तो z रेज टू पावर आएगी 10 और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, ये 5। ये देखिए हमने 2 पुट किया है तो 2 2s आर 4 प्लस 1 ये क्या बन जाएगा, ये 5 बन जाएगा इसका फैक्टोरियल। फिर माइनस 1 की पावर 3 आएगा और z रेज टू पावर 4 3 इज़ 12 12 प्लस 2 14 होता है तो z रेज टू पावर 14 ओवर और ये आ जाएगा 7 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। अब हमने करना क्या है, इसको डिवाइड करते जाना है तो ये बन जाएगा 1 ओवर z स्क्वायर, ये माइनस आएगा, ये z स्क्वायर ओवर 3 फैक्टोरियल और ये प्लस आ जाएगा
टू पावर फोर पावर कम हो जाएगी, तो जेड रेज टू पावर सिक्स ओवर फाइव फैक्टोरियल, ये ऑड पावर है तो माइनस आ जाएगा, और फोर पावर कम होगी तो जेड रेज टू पावर टेन ओवर सेवन फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। तो यही हमारे पास जो है वो क्या है, इसकी रिक्वायर्ड सीरीज़ है और यही हमें फाइंड करना था। इस तरह स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, 12 को हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।